हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है प्रमोद। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IQ7 में जो पिछला अपडेट आया था ना, जिसका वर्जन 1.72.12 है ना, उस अपडेट के बारे में। और मैं बता दूं दोस्तों, उस अपडेट पे मैं IQ7 को लगभग 15 से 20 दिन तक यूज किया हूं, तो वहां पे मुझे दो मेजर प्रॉब्लम देखने को मिले हैं। तो आज इस वीडियो में इन्हीं दो मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि ये कौन से प्रॉब्लम है। और मैं बता दूं दोस्तों, जो दूसरा प्रॉब्लम है ना, काफी इरिटेटिंग टाइप का प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आने वाले दिनों में जब कोई अपडेट आए IQ7 में ना, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया जाए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो यार लाइक करना, चैनल पे नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके IQ7 में जो लास्ट अपडेट आया ना, उसमें क्या मेजर प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है। इंस्टॉल कर दोस्तों, मैं बता दूं कि IQ7 में जो पिछला अपडेट आया था 1.72.12, उस अपडेट के बाद IQ7 में गेमिंग बार में बहुत सारे जो फीचर थे उसको इनेबल कर दिया गया है। चाहे वो 4D वाइब्रेशन ले लीजिए, स्क्रीन सेटिंग ले लीजिए, बहुत सारे जो फीचर थे उसको इनेबल कर दिया गया है। हाँ, अभी भी 90fps वाला जो मॉड है उसको इनेबल नहीं किया गया है, तो आने वाले दिनों में उसको भी इनेबल कर दिया जाएगा। मैं कहूंगा कि इन सारे फीचरों को इनेबल करने के बाद IQ ने IQ7 में जो ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया होती है ना, उसको भूल गया, क्योंकि इस अपडेट के बाद मुझे IQ7 में जस्ट नॉर्मल यूज किया हूं तो केवल मुझे 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। यानी कि इस अपडेट के बाद मेरे IQ7 में ना बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन की इशू देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि इन 5.5 घंटे में ना मैं कोई ज्यादा गेमिंग नहीं किया हूं, बस 15 से 20 मिनट ही गेमिंग किया हूं। केवल कुछ सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इस पे काम किया हूं और कॉलिंग किया हूं और YouTube पे ज्यादातर टाइम स्पेंड किया हूँ। उसके बावजूद भी मुझे केवल 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। अगर बात करें दोस्तों यूजर्स की, तो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। अभी मेरे IQ7 में जो बैटरी परसेंटेज है ना, वो केवल 12% है। और बात करें दोस्तों कि क्या क्या मैंने यूज किया, तो एक बार डिजिटल वॉल्यूम में दिखा दूं आपको। आज के डेट में स्क्रीन ऑन टाइम मुझे 30 मिनट का मिला है, जो कि कल की बात करें ना, तो आपको यहाँ पे दिखा दूं केवल 3.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। और यूजर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं यूज नहीं किया हूँ, YT स्टूडियो, YouTube, फेसबुक, काइन मास्टर, क्रोम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं BGMI केवल 10 मिनट प्ले किया हूँ। उसके बावजूद भी मुझे अपने फोन में जो स्क्रीन ऑन टाइम मिला है ना, उसको दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा दूं, 5 घंटे 11 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। तो डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे मैं कहूंगा इस अपडेट के बाद IQ7 में ना बैटरी ड्रेन की इशू देखने को मिल रही है। और आपने इस प्रॉब्लम को फेस किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, जब थोड़ा बहुत मैं गेमिंग कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे IQ7 में हीटिंग की इशू बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, जो कि पहले देखने को मुझे नहीं मिल रहा था। और दोस्तों, दूसरे मेजर प्रॉब्लम की बात करूं तो ये काफी इरिटेटिंग सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी को लेके है। मैं बता दूं दोस्तों, जहां पे मैं वर्क करता हूं ना, वहां पे इस अपडेट से पहले मुझे अपने IQ7 में किसी तरह की कॉल कनेक्टिविटी को लेकर दिक्कत नहीं आती थी। हमेशा मैं प्रॉपर तरीके से कॉल कर पाता था, प्रॉपर तरीके से कॉल रिसीव कर पाता था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। और 4G+ यानी कैरियर एग्रीगेशन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था और नेट की स्पीड काफी अच्छी देखने को मिल रही थी। लेकिन इस अपडेट के बाद वहां पे काफी समय तक मेरा जो फोन है आउट ऑफ नेटवर्क लगता है। लोग कंप्लेन करते हैं कि यार आपका फोन जो है आउट ऑफ नेटवर्क है, 4G+ वहां पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, जो नेट की स्पीड है ना वो भी काफी कम देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली दोस्तों, इस अपडेट के बाद मेरे IQ7 में कॉल कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। आपने इस प्रॉब्लम को फेस किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर। एक और प्रॉब्लम कॉल को लेकर देखने को मिली है कि जब मैं किसी को कॉल करता हूँ, कई बार ऐसा होता है, हमेशा तो नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जब किसी बंदे को मैं कॉल करता हूँ तो फोन बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, और कुछ देर के बाद जो वो कॉल है अपने आप कट जाती है। उसके बाद मैं फोन को रिस्टार्ट करता हूँ, दोबारा उसको कॉल करता हूँ, तब जाके वो कॉल मिलता है। तो ये काफी इरिटेटिंग सा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को मैंने कई बार फेस किया है। अगर आपने फेस किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये जो दो मेजर प्रॉब्लम मुझे लगे हैं इस अपडेट यानी 1.72.12 के अपडेट के बाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।